आज सुबह ही मैंने इमिंदा मुल्ली वर्सेस सजायम की वीडियो अपलोड की है और आज यही एक नई वीडियो, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हमें नया आयरन मैन देखने को मिलने वाला है, वो भी रेड नहीं व्हाइट सूट वाला आयरन मैन, यानी कि सुपीरियर आयरन मैन। ये वीडियो मेरा आज ही अपलोड करने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि कम से कम इस टॉपिक में तो एक व्यूज आ ही सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद आप सभी को डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का बेसब्री से इंतजार है। इस मूवी में हमें आयरन मैन देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ RDJ आयरन मैन का रोल नहीं करेंगे, यानी कि टोनी स्टार्क वाला आयरन मैन नहीं होगा। यहाँ आयरन मैन का रोल टॉम क्रूज निभाएंगे, ये एक रूमर है। और यहाँ आयरन मैन का सूट रेड होने की बजाय सफ़ेद होगा, यानी कि सुपीरियर आयरन मैन होगा, जो पॉसिबल ही किसी और यूनिवर्स या किसी और अर्थ से बिलोंग करेगा। सुपीरियर आयरन मैन का एक एविल वर्जन है, यानी कि बुरा वाला वर्जन है, बिल्कुल उसी तरह है जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज का एविल वर्जन है। डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में मल्टीवर्स को और अच्छे से एक्सप्लोर किया जाएगा, जहां हमें कई सारी यूनिवर्स और उनके कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। यानी कि यहां पे आयरन मैन यानी सुपीरियर आयरन मैन के दिखने के ज़्यादातर चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं, इसलिए सभी लोग इससे आस लगाए बैठे हैं कि आयरन मैन यहाँ वापस देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ RDJ वाला आयरन मैन नहीं होगा, यानी कि अपने अर्थ का आयरन मैन नहीं होगा, जो रियल अर्थ है 616 का, लेकिन 616 है या फिर हम उसे अर्थ 1 कह सकते हैं। और इसमें हमें सुपीरियर आयरन मैन यानी आयरन मैन का ईविल वर्जन देखने को मिलेगा, जो कि हमें डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में दिखेगा। मल्टीवर्स और मैडनेस मूवी में हमें कई सारे मल्टीवर्सल कैरेक्टर देखने को मिलेंगे, यानी कि यहाँ पे हमें इल्यूमिनाटिस की टीम मेंबर्स भी देखने को मिल सकते हैं इस मूवी में। साथ ही साथ इस मूवी में कई सारे कैमियो भी होंगे। डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के 2 मंथ से रीशूट्स भी चल रहे हैं, जिससे हमें पता चलता है कि इसमें कई सारे कैमियो और कई सारे कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है और कई सारे मल्टीवर्स पॉसिबली इसके वेरियंट्स होंगे। क्योंकि गाइज यहाँ पे हमने डॉक्टर स्ट्रेंज का ईविल वर्जन वाला वेरियंट तो ऑलरेडी देख लिया, यहाँ पे आयरन मैन का ईविल वर्जन यानी कि सुपीरियर आयरन मैन भी हो सकता है। अगर आपको सुपीरियर आयरन मैन के बारे में और कुछ जानना है उसकी पावर्स या ओरिजिन के बारे में, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और 1K व्यूज़ कंप्लीट करा दें। थैंक यू सो मच गाइज़।